हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं आपका दोस्त एनपी आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम भारत के बारे में सीमा विस्तार और स्थिति के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं जा रहे हैं और यहाँ हम मैं भारत का मैप बनाने का प्रयास कर रहा हूँ और शायद मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अच्छा मैप बनाने का प्रयास करूँगा ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना हो। और ये बन गया हमारा प्यारा देश भारत। यह प्यारा देश भारत, इससे बहुत एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं और इन्हीं पहलुओं पे आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं इस भारत के नक्शे में। ये है हमारा प्यारा देश भारत। आज हम भारत की सीमा और स्थिति और विस्तार के बारे में अध्ययन करने वाले हैं और हम समझेंगे कि भारत की कितनी सीमा है और कौन सा देश सबसे अधिक सीमा साझा करता है और कौन सा देश सबसे कम सीमा साझा करता है। ये क्वेश्चंस इस सीमा और स्थिति और विस्तार से रिलेटेड एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आज हम इन्हीं चीज़ों अर्थात इसी सीमा और विस्तार और स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि भारत की कितनी स्थलीय सीमा दूसरे देशों से टच करती है, साझा करती है, और कितनी तटीय सीमा है और कितनी साझा करती है, और अक्षांश में उसकी स्थिति क्या है, देशांतर में उसकी स्थिति क्या है, उत्तर से पूरब, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम उसकी क्या, उसका कितना विस्तार है, और समझेंगे कि क्या उसका सबसे दक्षिणतम बिंदु है, क्या पूर्वतम बिंदु है। इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, यदि वो कौन कौन से राज्य हैं जो कर्क रेखा में आते हैं, और कौन सा सबसे बड़ा राज्य है पॉपुलेशन की दृष्टि से, कौन सा सबसे बड़ा छोटा राज्य है पॉपुलेशन की दृष्टि से, कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, और अपने पड़ोसी देश जो हैं उनसे कितने हमारे राज्य सीमा साझा करते हैं। तो इस तरीके से हम आज इन्हीं पहलुओं पर समझने का प्रयास करेंगे और इससे रिलेटेड यानी भारत की सीमा और उसके विस्तार स्थिति से रिलेटेड इनकी जो पोजीशन है इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो हम इन्हीं चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि ये है हमारा प्यारा देश भारत जो हमारे 7 महाद्वीपों, हमारा पूरा जो पृथ्वी है वो 7 महाद्वीपों और 5 महासागरों में डिवाइड है। तो जो 7 महाद्वीप हैं उसमें जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में भारत की पोजीशन क्या है, और भारत की पोजीशन एशिया महाद्वीप में, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा ऊपर उत्तरी गोलार्ध हुआ, नीचे दक्षिणी गोलार्ध हुआ, ये जो बीच में रेखा है वो विषुवत रेखा है, ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध है, जो हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइन जाती है हम उसे देशांतरीय रेखाएं कहते हैं, जबकि जो ये वर्टिकल लाइन जाती हैं हम उसे देशांतरीय रेखा कहते हैं। तो जो ये हमारी विषुवत रेखा है, यहाँ से हम भारत के स्थिति का आकलन करेंगे कि जो हमारा जीरो अंश होता है विषुवत रेखा, तो जीरो अंश से हमारा भारत के जो सीमा विस्तार है वो 8 अंश 6 मिनट से 37 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और वही देशांतर में इसकी स्थिति है 68 अंश 7 वही देशांतर में इसकी स्थिति है 68 अंश 7 मिनट से
97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि इसकी उत्तरी देशांतरी स्थिति क्या है और उत्तरी अक्षांश स्थिति क्या है। ये हमारा अक्षांश ही है जो हमने बताया कि जो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन जाती है वो जीरो अंश जो है, इससे हम देखेंगे कि ये ऊपर से ऐसे जाते हुए ये जो लाइंस होंगी कितनी होंगी, 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4, ऐसे 1 अंश 2 अंश 3 अंश 4 अंश 5 अंश, ऐसे ही 8 अंश 8 अंश से है। और कितने इधर हमारा होगा कहीं 37 अंश किस करीब, तो यहाँ 37 अंश इधर, अर्थात इधर से ये आपको दिखाई दे रहा होगा ये 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट तक। ये पोजीशन है हमारे भारत देश की और ये मुख्य बिंदु से है। और यदि हम द्वीप सहित कहा जाए तो हमारा अंडमान निकोबार इससे 2 अंश नीचे आता है और 6 अंश 4 मिनट से उसकी काउंटिंग की जाती है। तो हमने समझने का प्रयास किया कि यह हमारी अक्षांश स्थिति जो विषुवत रेखा है वो 0 अंश है और यह इधर से 8 अंश ऊपर, अर्थात या फिर द्वीपों से कहा जाए तो अंडमान निकोबार से जो सबसे दक्षिणतम बिंदु माना जाता है वो इंदिरा पॉइंट है, और जिसे हम पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो 8 अंश 4 मिनट है से 37 अंश 6 मिनट तक है जो विस्तार है, जब मतलब कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक, तो ये जो विस्तार है ये हमारा उत्तर से दक्षिण है और हम इसे कहते हैं, ये हमारा हम इसे उत्तरी अक्षांश क्यों कहते हैं, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में है और ये अक्षांश है, ये अक्षांश में डिवाइड होता है, उत्तरी अक्षांश ऊपर होगा दक्षिणी अक्षांश नीचे होगा, इसलिए हम इसे क्या पढ़ते हैं 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतरी और पूर्वी देशांतर क्या है, अब इसको हम इस लाइन में देखें, इस रो में देखें जो देशांतरी स्थिति है, तो इसमें भी एक जो 360 अंश की होती है ये जो होता है ये भी 0 अंश का हुआ, ये भी 1 2 3 4 5 6 68 अंश से इधर से 68 अंश से 97 अंश 68 से 97 अंश 25 मिनट 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट तक जो इसका इधर से पूर्व देशांतर की ओर विस्तार है, तो इसे हम कहते हैं 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब पूर्वी देशांतर में पूर्वी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऊपर उत्तर रीजन है और ये दक्षिण रीजन है, तो ये पूर्व रीजन होगा और ये पश्चिम रीजन होगा, ये पूर्व हमारा थोड़ा स्थिति इसकी पूर्व साइड है, इसलिए हम इसे पूर्वी देशांतर कहते हैं। तो ये आपने देशांतरी पोजीशन को समझा, अक्षांशी पोजीशन को समझा, अर्थात हमारे भारत की स्थिति 8 अंश 4 हमारे गोलार्ध में देखा जाए जो उत्तरी गोलार्ध में है उसमें 8 अंश 6 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और यदि देशांतरी स्थिति में जैसा कि मैंने अभी समझाया आपको कि 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट तक। अब ये हमारी पूरी जो सीमा है, हमारी जो पूरी सीमा है ये अर्थात ये पूरा एरिया भारत का कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर तक हमारे पूरे भारत का विस्तार है, अर्थात 32,87,263 वर्ग किलोमीटर तक हमारा पूरा भारत फैला हुआ है, विस्तारित है। और अब ये हो गया इसका विस्तार रूप जो कि पूरा एरिया हो गया वर्ग किलोमीटर में। यदि हम इसकी ये जो चतुष्कोणीय स्थिति है हमारे भारत देश की, तो ये ऊपर वाला रीजन हमारा उत्तर है, नीचे दक्षिण है जिसे हम नॉर्थ साउथ भी कहते हैं, और ये हमारा पूर्वी रीजन है जो ईस्ट रीजन है, और जो पश्चिम रीजन है जो वेस्ट रीजन है। इसमें ये जो डिवाइड है ये हमारा जम्मू कश्मीर से जो उत्तरी रीजन है सबसे,
और सबसे दक्षिणी बिंदु हमारे तमिल और केरल हैं, और ये हमारा गुजरात, और ये हमारा इस साइड ये हो गया पश्चिम रीजन, और ये हो गया हमारा पूर्वी रीजन। ये इधर काउंट कर सकते हैं, पूर्वी रीजन, ये उत्तरी रीजन, ये दक्षिणी रीजन, और ये हमारा पश्चिमी रीजन। तो ये हमारा उत्तर से दक्षिण तक लगभग 3214 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कितना? उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और पूरब से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कितना? उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर तक, और पूरब से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर तक विस्तारित है। अब हम देखेंगे कि इसकी जो स्थलीय सीमा अर्थात स्थलीय सीमा आप समझ रहे हैं, जिसकी भूमि दूसरे देश की भूमि से टच कर रही हो, उसे हम स्थलीय भूमि कहते हैं। तो जो हमारी स्थलीय सीमा है वो कितने देशों से टच करती है, और पूरी सीमा स्थलीय सीमा कितनी है। तो हमारी यदि पूरी सीमा स्थलीय सीमा जो हम देखें कि गुजरात से लेके जो पाकिस्तान से टच होते हुए या हम म्यांमार तक जो टच सीमा करती है, तो हम उस वो लगभग 15,200 वर्ग किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। वही यही तटीय सीमा वह रीजन होता है जो समुद्री या सागर या वाटर से टच होता है, उसे हम तटीय सीमा कहते हैं। तटीय सीमा में इसकी 6100 किलोमीटर लंबाई है, जिसमें 9 राज्य आते हैं। अर्थात हमारी यदि स्थलीय सीमा में कहा जाए तो 7 अंतर्राष्ट्रीय देशों से हमारी भारत भूमि लगी हुई है, और एक जलीय सीमा से, उसे कहते हैं श्रीलंका। और एक जो तटीय सीमा है, जो 9 राज्य हमारे तटीय सीमा बनाते हैं, वो 6100 किलोमीटर तक विस्तारित हैं, जबकि जो भूमि सीमा अर्थात स्थलीय सीमा बनाते हैं वो 15,200 है। और यदि हम टोटल द्वीपों सहित बात करें कि तटीय सीमा कितनी है, तो वो हमारी 7516 वर्ग किलोमीटर है, सॉरी 7516 किलोमीटर है। और यदि हम इसी 7516 और 15,200 को जोड़ दें, यानी स्थलीय सीमा और इसी तटीय सीमा को, जो हमारी कुल तटीय सीमा है द्वीपों सहित इन सबको जोड़ दें, तो पूरा 22,716 किलोमीटर तक हमारी पूरी भारत की सीमा टच है, चाहे वो जलीय हो चाहे स्थलीय हो। पूरी सीमा हमारी किससे टच है? पूरी सीमा हमारी टच है दूसरे देशों से, अर्थात सीमा बनाता है, एक निश्चित एरिया बनाता है। तो अब हम 22,716 वर्ग किलोमीटर है। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि इसका उत्तरी बिंदु कौन है, दक्षिणतम बिंदु कौन है, और सबसे पूर्वी बिंदु कौन है, और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है। सो हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट हमारा अंडमान निकोबार में है। ये इसे बे ऑफ बंगाल कहते हैं, बे ऑफ बंगाल, अर्थात यहाँ वाटर भरा हुआ है, और ये अरब की खाड़ी, बे ऑफ अरब, और ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है, ये अरब सागर हुआ, ये बंगाल की खाड़ी हुई, यहाँ भी पानी है। तो ये हमारी तटीय सीमा बनाता है, और ये जो श्रीलंका के आगे है ये हिंद महासागर है, ये भी तटीय सीमा बनाता है। तो अरब सागर जो है और बंगाल की खाड़ी है, यहाँ बंगाल की खाड़ी में हमारा अंडमान निकोबार द्वीप स्थित है। कौन स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप स्थित है। इधर यही हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट को हम पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, अर्थात इसका पूर्ववर्ती नाम पिगमेलियन पॉइंट है। और ये यदि क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, जो बहुत कंफ्यूज करता है स्टूडेंट को,
कि किस इसका मुख्य दक्षिणतम बिंदु कौन है। यदि मुख्य दक्षिणतम बिंदु पहुंचता है तो कन्याकुमारी है, और ओनली दक्षिणतम बिंदु पहुंचता है तो हमारा इंदिरा पॉइंट है। अब हमारा जो दक्षिणतम पॉइंट है तो पूर्वी उत्तरी पॉइंट होगा, उत्तरी पॉइंट हमारा इंदिरा कॉल है। ये इंदिरा पॉइंट हुआ दक्षिणतम, और ये हमारा इंदिरा कॉल। इसी तरीके से जो पूर्वी है वो हमारा अरुणाचल प्रदेश में, ये हमारा रीजन अरुणाचल प्रदेश का है, बना सीमा अरुणाचल प्रदेश की है। ये जो हरा हरा रीजन दिख रहा होगा आपको, ये जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ हमारा किबूथी करके जो रीजन है वो हमारा सबसे पूर्वी रीजन है अरुणाचल प्रदेश का। और ये हमारा गुजरात का रीजन है जो गौरी माता या सर क्रीक के नाम से भी जानते हैं, गौरी माता या सर क्रीक के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, सबसे दक्षिणतम बिंदु हम कहें तो इंदिरा पॉइंट, और पूर्वी बिंदु कहें तो किबूथी, और यदि हम पश्चिमी बिंदु कहें तो वो हमारा सर क्रीक या गौरी माता है। अब हम समझेंगे कि भारतीय सीमा से कौन कौन से देश टच करते हैं, भारतीय सीमा से कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय देश अपनी सीमा साझा करते हैं, तो हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। ये हुआ ये हमारा पड़ोसी देश नेपाल, ये हमारा भूटान, ये हमारा पड़ोसी देश भूटान, और ये चाइना। तो तीन देश हमारे ये हुए जो साझा कर रहे हैं उत्तर पश्चिम की ओर, और ये एक हुआ बांग्लादेश जो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, कौन सा देश भारत से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, तो वो है बांग्लादेश, जो लगभग 4096 किलोमीटर तक अपनी सीमा साझा करता है, 4096 वर्ग किलोमीटर तक अपनी सीमा साझा करता है। और इसके सबसे पूर्वी रीजन में कहा जाए तो म्यांमार है। कौन है? म्यांमार। इस रीजन को म्यांमार। तो हमारे पांच देश ये हुए, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और चाइना। अब ये है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो चार राज्यों से सीमा बनाता है, और ये है अफगानिस्तान जो भारत से पहले सीमा बनाता था, जो 106 वर्ग किलोमीटर तक जो सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश कहा जाए भारत से तो वो अफगानिस्तान है। और फिर पाकिस्तान जो साझा कर रहा है, अफगानिस्तान पाकिस्तान दो देश हुए, पांच ये हुए, सात देश ऐसे हैं जो भारत से अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा साझा करते हैं। तटीय सीमा में हमारा श्रीलंका भर है एक देश, जो पाक स्टेट से जल डमरू मध्य से कनेक्ट रहता है। और ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि श्रीलंका और भारत के बीच कौन सा स्टेट है, तो वो पाक स्टेट है। अब हमने ये समझा कि भारत से कौन कौन से देश टच में हैं, और हाँ यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सा राज्य, कितने राज्य, यदि कहा जाए तो चाइना से हमारा पांच राज्यों से टच है, और चाइना और नेपाल भी पांच राज्यों से टच है, और यदि बांग्लादेश कहा जाए बांग्लादेश भी पांच राज्यों से टच है, भूटान हमारा चार राज्यों से टच है, पाकिस्तान चार राज्यों से टच है, और ये देश हैं जो म्यांमार।
बिहार भी लगभग 4 राज्यों से टच है। तो 3 देश ऐसे हैं जो 5 राज्यों से टच है और 4 देश ऐसे हैं जो 4 राज्यों से टच है। ये क्वेश्चन बनते हैं बहुत कि भारत के कितने राज्य चीन से सीमा साझा कर रहे हैं, भारत बांग्लादेश से कितने राज्य सीमा साझा कर रहे हैं, भारत के राज्य कितने राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा कर रहे हैं और भारत के कितने राज्य नेपाल से सीमा साझा कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं कि भारत का कौन सा राज्य है जो जो अंतर्राष्ट्रीय तीनों ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। तो एक हमारा त्रिपुरा हुआ और दूसरा सिक्किम हुआ और एक जम्मू कश्मीर था जो इस समय लद्दाख और उसमें बदल गया। तो अब देखेंगे हम स्टेट की पोजीशन को भी समझने का प्रयास करेंगे। ये जो हमारा डिवीजन है पहले जम्मू कश्मीर था लेकिन अब 5 अगस्त 2019 को कैबिनेट की मंजूरी के तहत यह जम्मू कश्मीर से जो स्पेशल दर्जा 370 मिला हुआ था आर्टिकल वो हटा दिया गया है और 5 अगस्त को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है जिसके तहत अब यहाँ हमारा पूरा संविधान के सारे रूल्स फॉलो होंगे। 9 अगस्त को हमारे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है और 31 अक्टूबर को 2019 को हमारे पूरे देश में से अर्थात 31 अक्टूबर 2019 से हमारे पूरे देश में एक ही संविधान लागू हो गया। इसके पहले हमारे जम्मू कश्मीर का अलग 370 स्पेशल दर्जा था जो दोहरी नागरिकता भी रखता था और उसके अलग रूल्स भी थे। तो यहाँ हम ये जो दो केंद्र शासित देशों में बंट चुका है हमारा ये जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख हुआ, एक जम्मू कश्मीर हुआ और ये जो रीजन हुआ ये हमारा हिमाचल प्रदेश हुआ और ये जो रीजन हुआ हमारा पंजाब हुआ और ये हमारा हरियाणा हुआ और ये हमारा उत्तराखंड हुआ। इस तरीके से हम राज्यों को समझने का प्रयास करेंगे और इसे चित्र बनाना सीख लेंगे आप तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप मैप से भी समझ सकते हैं। और ये हमारा राजस्थान हुआ, ये हमारा गुजरात हुआ और ये हमारा महाराष्ट्र हुआ और ये हमारा कर्नाटक हुआ, ये हमारा सबसे लास्ट में केरल हो गया, ये हमारा तमिल हुआ, ये हमारा आंध्र प्रदेश हुआ, ये आपको सीमा समझ में आ रही होगी, ये गुजरात हुआ और ये जो हुआ ये हमारा राजस्थान हो गया, ये हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश यूपी और ये देखो ये जो है यूपी से सटा हुआ बिहार और ये जो रीजन दिख रहा है आपको ये झारखंड है जो बिहार से अलग हुआ था। यूपी उत्तराखंड में 2000 में अलग हुआ था और झारखंड भी बिहार से अलग हुआ था। उसी समय 3 स्टेट जो हैं अलग अलग हुए थे, एक 2000 में ये भी हुआ था जो इसे कहते हैं, एक 15 नवंबर में हुआ था, एक 9 नवंबर में हुआ था और एक नवंबर 2000 में हुआ था। छत्तीसगढ़ से उत्तराखंड अलग, सॉरी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ एमपी ये है और ये छत्तीसगढ़, ये एमपी से अलग हुआ था। ये जो रीजन दिख रहा है आपको ये उड़ीसा है और ये जो रीजन दिख रहा है ये वेस्ट बंगाल है और ये वेस्ट बंगाल यहाँ तक सीमित नहीं है, इसकी सीमा नेपाल से भी टच करती है, भूटान से भी टच करती है, बांग्लादेश से, अर्थात 3 देशों से हमारा बांग्लादेश भी टच करता है और दूसरा सिक्किम भी, देखो नेपाल भूटान और चाइना 3 देशों से टच करता है और एक त्रिपुरा जो तीनों ओर से एक ही सीमा बांग्लादेश से टच करता है। ये देखो ये त्रिपुरा है, ये हमारा मिजोरम है, मिजो है और ये जो रीजन दिख रहा है वो
मणिपुर है, और ये जो रीजन दिख रहा है हमारा मणिपुर, ये नागालैंड है, और ये असम है, और ये अरुणाचल प्रदेश जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, और ये हमारा मेघालय है। तो हमने समझने का प्रयास किया कि हमारे जो स्टेट है वो टोटल कितने हैं। 28 स्टेट हैं, पहले 29 थे, लेकिन जम्मू कश्मीर 5 अगस्त को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हो गया। चूँकि पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे तो 9 हो गए थे, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही फिर से संशोधन हुआ, और जो हमारा अंडमान निकोबार इधर गुजरात से सटा हुआ है मुंबई से, और अंडमान निकोबार नहीं दादरा नगर हवेली और दमन दीव आपस में मिलके एक राज्य हो गए हैं। तो हमारे जो 9 राज्य हो चुके थे वो फिर से 8 राज्य हो चुके हैं। तो इस तरीके से हमने देखो, हमारे इस समय प्रेजेंट टाइम में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो हमने ये समझने का प्रयास किया और हमने देखा कि कौन कौन से देश हमारे भारत से टच करते हैं, कितने राज्य हमारे दूसरे देशों से टच करते हैं, और हमने ये भी समझने का प्रयास किया मैप को भी कि किस तरीके से हमारा कौन से राज्य की कौन सा स्टेट की क्या पोजीशन। अब हम समझने का प्रयास करेंगे अब समझने का हम प्रयास करेंगे कि जो अब हमारा जो हमने बताया जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले कि हमारा जो ये पृथ्वी है उसका उत्तरी गोलार्ध है, तो उत्तरी गोलार्ध जो हमारा 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट जो उत्तरी अक्षांश बनता है, उसके बीच में कहीं भाई काउंटिंग में 23 तो आता होगा ना, 23.5 उत्तरी अक्षांश का। तो ये जो 23.5 अंश है वो कर्क रेखा बनाता है। कहने का मतलब जब हम उत्तरी गोलार्ध में इस विषुवत रेखा से ऊपर की ओर चलते हैं 23.5 अंश, तो वहाँ हमारी कर्क रेखा बनती है। वही जब हम इसी विषुवत रेखा से दक्षिणी गोलार्ध की ओर चलते हैं तो वहाँ हमारी मकर रेखा बनती है। तो आप कर्क और मकर रेखा को समझ रहे होंगे, लेकिन कर्क रेखा मकर रेखा तो भारत के अंदर आएगी नहीं, क्योंकि हमारा दक्षिणी गोलार्ध से कोई वास्ता नहीं। अब हम उत्तरी गोलार्ध में हैं, उत्तरी गोलार्ध में कहाँ 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट, यानी कि उस बीच में 8 9 10 11 12 और 23 तो आ रहे होंगे, तो वो 23.5 अंश में हमारा भारत प्यारा भारत कर्क रेखा 8 राज्यों से ऊपर गुजरती है। वह 8 राज्य कौन कौन से हैं वो भी मैं समझाने का प्रयास करूँगा। तो हमारा यदि 8 राज्य कौन कौन से हैं, एक है यदि हम इधर पूरब से चलते हैं तो देखो मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, MP, राजस्थान, गुजरात, यानी कि 8 राज्य हमारी भारत के से कर्क रेखा गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से ऊपर। वो कौन कौन से हैं, नंबर 1 अभी मैंने बताया, एक मिजोरम, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा वेस्ट बंगाल, चौथा झारखंड, ये झारखंड है हमारा, और ये झारखंड चौथा, और ये 5वां छत्तीसगढ़, 6वां MP, 7वां राजस्थान, और ये 8वां गुजरात। इस तरीके से 8 राज्य हमारे 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा हमारे भारत से गुजरती है, और 8 ही राज्य भारत के पड़ोसी देश हैं, अर्थात भारत के पड़ोसी देश भी 8 हैं जो उससे सीमा साझा करते हैं। और यदि 8 कहा जाए तो यूपी जो है उसके 8 स्टेट से सीमा साझा करता है, सबसे ज़्यादा यूपी है जो 7 सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा साझा करता है। तो इस तरीके से हमने ये हमारा तेलंगाना रीजन है, शायद मैंने शो नहीं किया लेकिन आप समझ जाओ ये तेलंगाना रीजन है। तो इस तरीके से हमारे 28 राज्य हुए थे। अब हमने समझने का पूरी तरीके से प्रयास किया, और इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं जैसा कि मैंने अभी समझाने का प्रयास किया
यदि पूछा जाए कि पॉपुलेशन की बेस पे सबसे ज़्यादा, पॉपुलेशन के बेस पे सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो उत्तर प्रदेश है। और यदि पूछा जाए कि पॉपुलेशन के बेस पे सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वो सिक्किम है। यदि पूछा जाए क्वेश्चन एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो वो राजस्थान है। और सबसे छोटा जो है, सबसे छोटा राज्य जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो गोवा है। तो इस तरीके से हमारा प्यारा भारत देश है और इसकी ये पोजीशन है, जैसा कि मैंने अभी आपको विस्तार से समझाने का प्रयास किया। और यदि पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा ज़िला कौन है, तो वो गुजरात का कच्छ का ज़िला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और यदि कहा जाए सबसे छोटा कौन सा है, तो माही ज़िला है। माही ज़िला यहाँ पड़ता है केरल में, वो पांडिचेरी का हिस्सा है। हमारा जो 8 स्टेट हैं, तो एक हमारा अंडमान निकोबार है जो इस रीजन में है, अंडमान निकोबार इस रीजन में है। और ये हमारा पांडिचेरी जो है, यहाँ वो चार ज़िले आते हैं उसमें। एक माही आता है केरल, यहाँ फ्रांसीसी रहते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस पर हक जता लिया है, मतलब हक जता लिया था। तो यह पांडिचेरी में सिर्फ 8 राज्य आते हैं, एक केरल से टच है, दो एक यहाँ यमन होगा, यहाँ माही होगा, यहाँ यमन और पुदुचेरी होगा, और यहाँ कारिकल होगा आंध्र प्रदेश से। तो ये चार शहर एक पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण करते हैं, एक हुआ, दूसरा अंडमान निकोबार हुआ, यहाँ लक्षद्वीप हुआ जो लगभग छोटे छोटे 36 द्वीपों से मिलकर बना है, 1, 2, 3। और गुजरात, और ये हमने बताया था अभी अभी के जो दादरा नगर हवेली और दमन दीव आपस में मिल गए हैं। और इधर जो एक ये हो गया, तो 1, 2, 3, 4 हो गए, और हरियाणा का एक चंडीगढ़ हो गया, 5 हो गया। और हरियाणा के इधर इस रीजन में जो यूपी से भी लगा हुआ है, हरियाणा में जो आपको दिख रहा होगा, और ये जो रीजन है ये हमारा कौन सा रीजन है, ये दिल्ली है, हमारी दिल्ली है। तो इस तरीके से, और ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख हुआ। तो इस तरीके से आपने केंद्र शासित प्रदेशों को भी समझा और स्टेट्स की पोजीशन को भी समझा, कौन से देश कहाँ साझा करते हैं, कितनी सीमा साझा करते हैं, कौन सा राज्य बड़ा है, कौन सा ज़िला बड़ा है। तो और शायद मे भी आपको ये सब समझ में आया होगा, हमारे भारत में प्रेजेंट टाइम में 135 करोड़ पॉपुलेशन है, जो विश्व में दूसरे नंबर पे है। चाइना की 140 करोड़ की समथिंग होगी, वो पहले नंबर पे है। और यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से कहा जाए, तो वही जो 32,37,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व में अपने आप में 7वां स्थान पोजीशन रखता है, जो कि यदि कहा जाए तो पूरे लैंड एरिया का या पूरे विश्व का लगभग 2.5% है, से भी कम है। तो इस तरीके से हमने इन सारी चीज़ों को समझने का प्रयास किया, मे भी आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। और आज के लिए इतना ही, और यदि आपको ज्योग्राफी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।